नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है ममता की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए 5 मिनट के अंदर मिठाई। और इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो घर में चीज़ें पड़ी रहेंगी सिर्फ उसी से बना के तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 4-5 काजू लेके मैं इसे का पाउडर बना लूँगी। आप चाहे तो इसे कूट के या छोटा छोटा कट कर लें। तो इस तरह से मैं इसका पाउडर बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, और जितने अच्छे ड्राई फ्रूट डालेंगे टेस्ट में उतना अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें यहाँ आज चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, गुड़ से बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है, और ये गुड़ सोठ वाला है, इसमें पहले से ही सोठ वाला गुड़ पड़ा है, देसी वाला गुड़ है। तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। और आपके पास यदि गुड़ ना हो तो गुड़ वाला पाउडर लेके आएँ, इस तरह से गुड़ तोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये गुड़ देसी वाला है, तो तोड़ने के बाद भी इसके टुकड़े अच्छे से नहीं जाते हैं। आप देखिए, यहाँ पे मैं पोहा ले लेती हूँ, और इसका मैं पाउडर बना लूँगी। पाउडर अच्छे से बन जाना चाहिए, उसके बाद छान लेंगे। देखिए, इसे मैंने छान लिया है, तो जितना बारीक छानेंगे उतना अच्छा रहेगा पाउडर इसका, जितना अच्छा हो। देखिए, पाउडर इस तरह का बन के तैयार हो जाएगा पोहे का। तो पोहे का कुछ ऐसा नहीं है कि इसे हमें सेकना है या इस तरह से, क्योंकि पोहा हम वैसे भी दूध में मिला के खाते ही हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नॉर्मल दूध ले लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसका डो बना के तैयार कर लूँगी आटे के जैसा। और इसमें दूध ज़्यादा लग जाता है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा गिलास भर के दूध ली हूँ, और बाद में मैंने इसमें आधा गिलास दूध और इस्तेमाल किया था, क्योंकि पोहे में दूध बहुत ज़्यादा लगता है, आप लोगों को तो पता होगा। अब देखिए, इस तरह का मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। मैं इसे थोड़ा सा लोई लूँगी, हथेलियों पे दबा के एक छोटा सा इस तरह से लोई बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने जो मिश्रण तैयार करके रखा था उसमें मैं थोड़ी सी चिरौंजी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा किशमिश, तो इससे अच्छा लगता है किशमिश का टेस्ट इसमें। और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दें। अब देखिए, मैं यहाँ पर मैं दूध पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं, दूध का खोआ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया तरह से मिक्स करने के बाद हम इसकी मिठाई बनाएंगे। ये मिठाई बहुत जल्दी झटपट बनके तैयार हो जाता है। अब हमारे यहाँ अचानक से मेहमान आ जाए और हमारे घर में मिठाई ना हो, तो इस तरह से झटपट हम मिठाई बना के तैयार कर लेंगे, और सब पूछेंगे कि हाँ कैसे बनाया कैसे बनाया। तो ये मिठाई अपने घर पे पड़ी चीज़ों से ही बन जाता है। देखिए, इस तरह से बना के, और थोड़ा सा मिश्रण बीच में रख दे, और इस तरह से हथेलियों से दबाते हुए अपने मनपसंद शेप दे दें। थोड़ा सा कठिन होता है बनाना, क्योंकि पोहे का आटा है, तो इसमें थोड़ा सा ये टूटता है, लेकिन यदि हम धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बनाएंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा और खाने में अच्छा लगता है। और इसमें जो गुड़ वाला टेस्ट होता है ना, वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और चीनी की मिठाई तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, कभी कभी गुड़ का भी खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो देखिए, इस तरह से मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना अच्छा बना है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना, और लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।